हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज़ कुकिंग रेसिपीज़। में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है तवा कुलचा, जो कि एक स्ट्रीट फूड है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसे बहुत ही आसानी से हम घर पर भी बना सकते हैं। आइए मैं इसे पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा कुलचा, बहुत गर्म है अभी ये फ्रेंड्स। तो ये देखिए एकदम सॉफ्टली जो है ट्विस्ट हो जा रहा है आसानी से, और पीछे भी परफेक्ट इसमें जो है ब्राउनिश है, अच्छे से सिका हुआ है ये प्रॉपर, और एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पर छोलों के साथ सर्व किया है। तो आइए आप भी एक बाइट लीजिए इसकी और बताइए इसका टेस्ट कैसा बना है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करेंगे कि किस तरह से हम इतने सॉफ्ट और फ्लफी कुलचे घर पर आसानी से बना सकते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें 2 कप्स हम ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इससे हमारे कुलचे सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेंगे। 1 टीस्पून हम वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे, और 1/2 कप कर्ड लिया है मैंने यहाँ पर, होममेड कर्ड है, इसे ऐड करेंगे। पहले हाथों से ही हम अच्छी तरह सभी को मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे डो लगाने के लिए। देखिए हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा वाटर की ज़रूरत है, तो 2 टेबल स्पून के आसपास मैं वाटर ऐड करूँगी, और एक सॉफ्ट नॉर्मल सा हम डो तैयार करेंगे इसका। देखिए हमारा डो तैयार है, बस 2 टेबल स्पून वाटर की ज़रूरत पड़ी थी इसमें। एक बार थोड़ा सा और हम स्मूथ कर लेते हैं इसे, ये देखिए इस तरह से, और उसमें 2 ड्रॉप ऑयल स्प्रेड करके हम इसे जो है रेस्ट के लिए रखेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि अच्छे से स्मूथ रहे, चिकना सा, और इसे हम लिड से कवर करेंगे। 2 आवर्स के लिए हम इसे जो है रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि हमारा डो जो है अच्छा सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाए। 2 आवर्स के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो थोड़ा सा फ्लफी हुआ है, सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। इसको एक बार हम थोड़ा सा और मसल लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मसल लेने के बाद इसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे, और इसमें से हम जो है नींबू के आकार के बॉल्स बना लेंगे। कुलचों का साइज़ हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे, बिकॉज कुलचे जो है थोड़े छोटे ही अच्छा दिखते हैं। तो हम इस तरह से जो है एक नींबू के आकार का बॉल तैयार किया है मैंने, ये देखिए। इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे, और आइए अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। फ्लावर से थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे, और पहले हाथों से ही हम थोड़ा सा इसे जो है स्प्रेड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। इस पर हम वाटर से ब्रश करेंगे, वाटर स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता लगाएंगे हम, कोरिएंडर लीव्स चॉप की हुई, और यहाँ पर मैंने ब्राउन सिसमे सीड्स लिया है, ब्राउन तिल, आप वाइट तिल भी ले सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ा सा हाथों से ही प्रेस कर देंगे इस तरह से, ताकि ये ऑल टुगेदर प्रेस हो जाए। और अब हम इसे जो है बेलन की सहायता से बेल लेंगे, नॉर्मल जैसे हम पूरी बेलते हैं, रोटी पूरी वगैरह। फ्रेंड्स इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा इसको थिक ही रखना है, बिकॉज कुलचे जो है थोड़े से थिक होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं, तो हम इसे जो है छोटे साइज़ का ही बेलेंगे। देखिए इस तरह से आप इसे बेल लें। अगर आपको लगे कि डो आपका जो है स्टिकी है बेलने में, तो आप थोड़ा सा ड्राई फ्लोर से इसे डस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे इतना ही बेला है, मैं इसको आपको इसको जो है थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए थिकनेस मैंने इतनी रखी है। आइए अब हम एक तवा गरम करेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे या फिर बटर, जिसमें भी आप सेकना चाहते हैं। कुलचे को इस प्लेस कर देंगे इस तरह से, इसको हम लिड से कवर करेंगे, और 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और दूसरी साइड की ओर भी फ्लिप कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से इसमें ब्राउन चीते आ गई हैं, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है हमारा जो कुलचा है। अब इस साइड भी हम इसे 1 मिनट के लिए जो है
कुक कर लेंगे। वाव, आप देख सकते हैं अच्छी तरह जो है कुक हो गया है प्रॉपर, इसमें ब्राउन चित्ती आ गई हैं। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे। इस तरह से आप इसमें बटर लगा लें या फिर देसी घी, जिसमें भी आप पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है कुलचा बन करके एकदम तैयार है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना टेम्पटिंग बना है कुलचा, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी है, अच्छी तरह सिक गया है। इसको हम एक बोल में रखते जाएंगे और दूसरा कुलचा भी हम इसी प्रोसेस से जो है कुक कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह हमारा कुलचा कुक हो गया है। इस पर भी हम बटर स्प्रेड कर देंगे। कुलचे को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इतना ही, हल्की सी चित्तियाँ आ जाए इसमें ब्राउन, उसके बाद इसे हमें जो है तवे से निकाल लेना है। ये देखिए, इसी तरह की सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम यहाँ पर सारे कुलचे जो है तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने मज़ेदार टेम्पटिंग सॉफ्ट एंड फ्लफी कुलचे बन करके एकदम तैयार हैं। आप इन्हें गरम गरम ही सर्व करें, अदरवाइज ये जो है इसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो गरम में आता है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितने फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं, पीछे से भी प्रॉपर कुक हुए हैं और आगे से भी। ये देखिए, आप इसमें देसी घी या बटर लगा करके इसे छोलों के साथ जो है सर्व करें, लंच या डिनर में या फिर इवनिंग स्नैक्स में इसे बनाएं। अक्सर ये जो है स्ट्रीट फूड में हमें आसानी से मिल जाता है और इसे हम जो है घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कितनी आसानी से हमने इतने बढ़िया कुलचे तैयार किए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को एक लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत जल्दी ही मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।